भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो श्रीगंगानगर प्रथम इकाई की टीम ने हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना में कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी श्रीगंगानगर के डीएसपी भूपेंद्र सोनी ने बताया कि परिवादी ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी जांच के लिए 5,000 रुपए लेते हुए आज एसीबी ने हेड कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। परिवादी कुलविंदर सिंह द्वारा पुलिस थाना पर इस आशय का मुकदमा दर्ज करवाया गया था कि संबंधित और मानव जिंदल द्वारा उसकी कार को पैसों के बदले लेकर करके चले गए हैं, जो मांग करके लेके गए थे, बाद में उन्होंने वापस नहीं लौटाया। उसकी एवज में उसने 420-406 का मुकदमा दर्ज पीलीबंगा थाना में करवा रखा है। एएसआई सुरेश हवलदार द्वारा इस मुकदमा का अनुसंधान किया जा रहा था, जिसने पूर्व में 15,000 रुपये की डिमांड किया पैसों का, फिर सौदा जो है 10,000 रुपये में तय हुआ। 5,000 रुपये आरोपी ने पहले डिमांड के दौरान प्राप्त कर लिए और 5,000 रुपये जो आज रिश्वत की राशि लेते हुए इसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया।